सर अरे ये अलग रखना, ये वार्ड में लग गया ना, ये हमारा पीसीओ का है। एक मिनट एक मिनट, कितने नियंत्रण का दो गया। हाँ ये तेरा अपना सहायक आयुक्त हो गया, और ये हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको भी भेजते हैं कॉपी उसका हो गया। अरे इसमें आपका तो लिखा हुआ है कि आपका सेफर साइड है, ठीक है। तो मैं ये देखो आपका इधर से चालू हो गया, बराबर अनुसंधाने के लिए पूर्व मी मागे घेत आहे, तसेच भविष्य त्यांच्या विरोधात माझे कोणतेही तक्रार असणार नाही। बरोबर, अगर इसके आगे जो मेरे को कुछ अगर कुछ हुआ उसका कुछ नहीं, क्यों नहीं लिखा इसमें? आपने अगर कुछ ये मेरे को अभी हम लोग क्या करेंगे ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग अभी क्या कर नहीं हो सकते हैं। देखिए कैसा नहीं क्या इनकेस का लाभ क्या करेगा अभी, क्या ऑप्शन बहुत है किसको भी, लेकिन तो आपने डाला है ना। तो इसके साथ में ये ना लेटर में ये भी लिखो कि इसके आगे मेरा भी कुछ, इनके आगे कुछ हुआ या मेरे को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी ये लेंगे, ऐसा लिख के लीजिए। मतलब समझे नहीं कैसा, अरे ये बराबर है ना, अरे लेकिन ये कंप्लेंट क्लोज करने वाला है ना, मेरा भी एक लेटर रहेगा उस पर भी आपको साइन करना पड़ेगा। हाँ करके देंगे, करेंगे ना, मैं करना चाहता हूँ, मेरे को भी एक लेटर रहेगा, जब लेटर में मंगाता हूँ। आशीष मुरुन जाके मोबाइल में तो क्या करते टाइम पास, एक काम करना स्टेशन जाके आ और उधर एक लेटर पढ़ने बोल मेरे नाम का कि अगर मेरे को कुछ हुआ तो अभी जो तकरार चालू है उसके लिए सुनील चौहान जिम्मेदार रहेंगे, अगर इन फ्यूचर में वो कुछ हुआ तो। नहीं नहीं नहीं, ये तकरार के अगेंस्ट में कुछ हुआ है। हाँ उसके लिए बोल रहा है, हाँ ये तकरार के अगेंस्ट बोल रहा है, मैं टाकी का वो नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर कुछ इनकेस मेरे को बाद में हुआ ये मेरा एक ही है। देखिए अभी तक आज तक मेरा कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है ना, मैं किसी के मेंशन कर, हाँ मेंशन ऐसा कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं आपका झगड़ा इसमें चालू है, इथून पुढे जर काय माझ्याकडून जर काय त्रास नको आहे। या संदर्भात बरोबर तू मला नंतर काय केला तर मी काय काय करू, तुला बोलना अगर तुझे तेरे दोस्त को बोला इसका जाके क्या कम कल गेम बजा। हाँ दूसरे मैटर में, हाँ तो फिर दूसरे मैटर में बजा तो ये काय कोएगा, दूसरा मैटर मेरा है नहीं, मैं ये सब पढ़ने वाले में से नहीं आदमी, लगता ज्यादा आदमी है, काम धंधे करने वाला आदमी है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर इसको कुछ करने का रहता तो ये सब थोड़ी होता था यार। भाई देखिए अभी वो फंसते हैं तो वो कर भी नहीं सकते, नहीं फंसने का नहीं आ रहा, वो फंसने का तो करने का क्या है, मैं भी अभी मैं सुना ऐसा है उधर है इधर पहचान है, तो भाई मैं भी सेफ्टी रखेगा ना। बिल्डिंग कसा उभा केली, पाणी कुठून भेटला त्याला, काय करणार करणार मी त्याचा आहे ती मी करणार, टेन्शन करू घेऊ तुम्ही, हे बना केला जा तू खाते वडेपाव, वडेपाव खाले तू, मी नाही खाले तू बना केला। अरे बाबा अहमद नहीं, मैं भी मेरा रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा मेरे को भी मेरा साइड देखना पड़ेगा, आपको ऐसा लेटर दूंगा तो मेरे को भी मेरा लेटर लगते हैं, पाँच मिनट लगेगा, पाँच मिनट लगेगा, ज्यादा फक्त कंप्लेंट क्लोज कर, बाद में भी कुछ भी हो सकता है, लंबा है इसका, ऐसा नहीं है, विश्वास तो रख थोड़ा, विश्वास तेरे पर, तेरे पर, तेरे पर रखा मैंने भी विश्वास तो नहीं है, सबसे बड़ा खेल है तो विश्वास सब कुछ होता नहीं है बाबा, तू मेरे पे देख, मेरा ऐसा इंडिया है ही नहीं तेरे बारे में, ये सब करने का टाइम ही नहीं है, बस बस बाद में मिलेगा ना, अभी आज आज खत्म हो गया तो बाद में वो फ्यूचर वही है। अरे नहीं वैसे तेरे को पीछे नहीं पड़ा, मैंने मैं इधर खड़ा हूं बस, कोई चीज मेरे पीछे हुआ कि मेरा इधर पहचान है मेरा उधर पहचान है, अरे भाई पहचान रहेगा सबका रहेगा, मेरा भी पहचान रहेगा, इसको मौका कब मिले किसको मालूम। अरे पण याच्यामध्ये तर माफीनामाच मागितला लिहिलेले आहे, पडो माफीनामाच झाला आहे, अरे पडो माफीनामा, अरे एक हे असं नाही शब्द वापरले त्याच्यामध्ये, हा तर गैरसमज शब्द वापर पश्चाताप म्हणजे हा गिल्टी फील झाला याच्यामध्ये, नाही सॉरी नाही मी तुला लिहून देतो याच्यामध्ये चुकी कोणाची आहे, तुमची चुकी आहे, आमची चुकीच नाही याच्यामध्ये, मैं मंगा रहे मैं मंगा क्यों रहा इसके लिए, इसके लिए तो मैं मंगा रहे गैरसमज,
मेरा लॉयर से बात हुआ, ये लेटर पे मैं साइन नहीं करेगा। अगर वो इसने बोला अगर इस पे साइन करेगा ना, तो मेरा लॉयर है ना बना के रखा हुआ है, उस पर आप लोग को साइन करना पड़ेगा, सबको, चौहान को भी, आपको भी, साजू साहब को भी साइन करना पड़ेगा, ये याद रखना। सबका नाम लिखवा है मैंने, उसमें टेंशन मत लो आप। रोज करने का ही बता रहा हूँ मैं आप लोग को, मैंने भी एक लेटर तैयार किया, ये आपका लेटर ना, उसने बोला ये लेटर पे करने का ना, करता हूँ मैं, लेकिन मैंने मेरे तरफ से भी एक लेटर बनवाया, उस पर भी आप लोग को साइन करना पड़ेगा, बिना पूछे, बिना पूछे साइन करना पड़ेगा, कुछ करने का नहीं, कुछ नहीं करने का, साइन करने का। मैं बनवा दिया ओ मन भाई, बनवा दिया सेम बनवा दिया मैंने। सिंपल बोलते मतभेद झाली होती, हे मला अपमानास्पद वाटले, म्हणजे मला म्हणजे मी गिल्टी फील होतोय, सॉरी। याच्यामध्ये आपापसातली मतभेद ही आम्ही दोघांनी मिळून, दोघांनी म्हणजे याच्यामध्ये इक्वल तुम्ही दोघं सांगत आहे, याच्यामध्ये फक्त फ्रॉम माय साईड झाले, मी माफी मागतोय थोडक्यात, की दोन्ही जणांची आजची तुझं तक्रार नोंदवली, माझा राग शांत झाल्यावरती मला असे वाटले, म्हणजे मी माझं हायपर झालं तेव्हा मला वाटलं वेगळं, आणि आता मला वेगळं वाटलं, म्हणजे लोक मला वेळेत करतील की आज ऐकू आहे वेगळं, गरम झालं त्या आम्ही काय करू शकतो, अरे बाबा हे ना हे डिपार्टमेंटची चाळीत ना, तुम्ही ज्या वेळेस नोकरी लागला ना त्याच्या अगोदर पासून मी वेगळं डिपार्टमेंट हलवलेलं आहे अख्खं, आणि न्यायाच्या दिवशी माझे रेकॉर्ड काढा, विचारता सगळ्यांना विचार माझे रेकॉर्ड पुरे, त्याच्यात पूर्ण पनवेल पासून ते म्हणजे सगळे हलवलेले मी रेकॉर्ड, माझा राग शांत झाल्यावरती मला असे वाटले, म्हणजे मी म्हणजे ठरवलं, मीच ठरवलं की हे आरोप करायला नको होते, का नको करायला होते सांग ना, आरोप करायला नको होते म्हणजे याचा अर्थ काय आला की मी आरोप केला की मी मूर्ख आहे, आणि नंतर मी तोच आरोप मला पश्चाताप झाला, अरे सगळं बोगस हे, काही अर्थ नाही आला रे, तुला मी लिहून देतो, मैंने भी बनाया असं नाही होणार याच्यामध्ये, एक चीज याद रखना, अगर मैं फसा ना, मैं फंसा अगर इसमें रिटर्न में, अरे आओ मैं याद रखना भाई, तुमको भी लूंगा भाई, मेरे पास सबका है, इसके लिए बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मैं किसको नहीं छोड़ूंगा, मी एकला काम मारतो खाली ते गणा, म्हणजे इथे ते गणा, असे कळवितो की माझे व श्री सुनील चव्हाण या अधिकाऱ्यांशी त्यांच्या कार्यालयात बोरवेल परवानगी व टाकी परवानगी संदर्भात इथे येणार गैरसमज, दोघांचा गैरसमज म्हणजे दोघही आहेत, ओनली मी नाही आहे, मी तुला देतोय की माझ्याकडनं मी क्लिअर करतोय, पण वाद दोघांचा गैरसमज झाल्यामुळे26 तारीख को उनको दिया था बोला था उनको तभी भी घमंड था तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं स्टेप लेगा, मैं मेरे तरीके से स्टेप पीछे लेगा, अब मेरा लॉयर देखेगा बात, वाद निर्माण झाले, माझी फसवणूक झाल्याचा जसा मला अंदाज आला, जरा मी वकील को भेजू तो मेरा, यांच्या आगेमध्ये कंप्लेंट नोंदवली गेली होती, म्हणजे माझी फसवणूक झाली म्हणून मी नोंदवलेली कंप्लेंट आहे, पण नंतर जेव्हा मला काही गोष्टी समजल्या तेव्हा कळले की ही फसवणूक कायद्यामध्ये ही तरतूदच नाही आहे, म्हणजे काय की बोरवेल ते होऊच शकत नाही आहे.